अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल शेयर फेडरल बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स गैस पेपर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 2021 एंड दिस इज़ फॉर फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले यूनिट नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें से हमारे पास थ्री टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मास अटैच टू द स्प्रिंग, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। फिर नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है साउंड। इसमें हमारे पास तीन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी या इंटेंसिटी लेवल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो अल्ट्रासाउंड लॉन्ग के लिए, देन फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हमारे पास पांच टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी लॉ में जो तीन पॉइंट्स आते हैं वो ऑन पेज नंबर 37 है, और स्नेल्स लॉ, लॉ हमारे पास कोई भी हो वो इंपॉर्टेंट होता है, लॉ ऑफ रेरिफ्रैक्शन भी कहते हैं, जो कि पेज नंबर 43 पे है। थर्ड टॉपिक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पेज नंबर 43 पे ही है। और फिर फोर्थ टॉपिक है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन पेज नंबर 44। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। इसमें हमारे पास सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनानी होगी, सिंपल माइक्रोस्कोप की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। देन हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हमारे पास पहले कूलम्स लॉ शॉर्ट के लिए, फिर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ऑन पेज नंबर 79 पैरेलल एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद टॉपिक 13.5 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले तो करंट की डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट ऑन पेज नंबर 91, पेज नंबर 9। फिर उसके बाद ओम्स लॉ पेज नंबर 97 पर। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑन पेज नंबर 99, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, फेडरल बोर्ड के। बाद हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पैरेलल एंड सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी ऑन पेज नंबर 101। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, 14.10 टॉपिक। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, म्यूचुअल इंडक्शन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर लॉन्ग में बहुत दफ़ा आ चुका है तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 16 है, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ चुका है, और लॉजिकल गेट्स, और एंड नॉट नैन नॉर तमाम गेट की आपको टेबल और डायग्राम आनी चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी। बस चैप्टर नंबर 17 इंक्लूडेड है, चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें आपने तमाम टॉपिक करने हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि शॉर्ट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स तमाम चीज़ें इसी में से आती हैं। फिर उसके बाद और रिव्यू क्वेश्चन इज मस्ट फॉर द एग्ज़ाम, तमाम रिव्यू क्वेश्चन करने ही करने हैं हर हाल में। सो दिस वॉज द गैस पेपर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 2021। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।